नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ सुना होगा कि यूएस ने सीरिया के ऊपर अटैक किया है और ये जो अटैक है काफ़ी बड़ा बोला जा रहा है। कुछ दिन पहले ही ऐसा बोला था यूएस ने कि सीरिया के ऊपर वो अटैक नहीं करेंगे, रसिया के साथ वो आराम से शांति से बैठ के बातचीत करेंगे। और इस खबर के ऊपर मार्केट जो है थोड़ा पॉजिटिव हुआ था, लेकिन ये जो अटैक है फ्राइडे नाइट को आया है, तो सैटरडे संडे दो दिन के बाद जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो उस समय मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा और ये जो अटैक हुआ है उसका ऑयल कंपनीज के ऊपर किस तरीके का रिएक्शन आएगा, ऑयल कंपनी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं आपको सबसे पहले इस अटैक के बारे में बताऊंगा क्यों हुआ है और उसके बाद आपको बताऊंगा जो भी ऑयल कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स में आखिरकार किस तरीके की हलचल चल रही है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक की बटन भी दबाइएगा ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना भी ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये सभी सिलसिला जो था काफ़ी लंबे से चला आ रहा है, सीरिया के साथ जो एक तरीके से टेंशन है वो बनी हुई है। तो लास्ट शनिवार को सीरियन जो एयरफोर्स है उनकी तरफ से दो बॉम्ब ड्रॉप किए गए थे जो कि पब्लिक के ऊपर किए गए थे, सिटीजन्स के ऊपर किए गए थे। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो भी बॉम्ब उन्होंने फेंके हैं या फिर जो भी मिसाइल्स उन्होंने लॉन्च की हैं, वो जो मिसाइल हैं वो केमिकल वेपन्स थे जो कि एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से केमिकल वेपन्स का जो इस्तेमाल करना है वो निषेध है कि उस तरीके के वेपन्स को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी सीरियन एयरफोर्स ने उस तरीके के बॉम्ब्स को इस्तेमाल किया और वो भी जो उनका एक्शन था उसमें लगभग 40 लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 500 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो कि घायल हुए, जो कि अभी भी अस्पताल में हैं। तो इसका विरोध करने के लिए यूएस ने ऑलरेडी जो था एक तरीके से वार्निंग जारी की गई थी, लेकिन रसिया की तरफ से सीरिया को सपोर्ट मिल रहा था और वो मना कर रहा था कि यूएस जो है सीरिया के अंदर कोई भी आर्मी का एक्शन ना ले। और कुछ दिन पहले ही जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी रसिया के साथ ऐसा बोला था कि हमारा उनके साथ कोई भी वाद विवाद नहीं चल रहा है और जो भी मसला है हम शांति से बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यूएस, ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से रसिया को एक तरीके से सबक सिखाने के लिए केमिकल वेपन का जो अटैक उन्होंने सिविलियंस के ऊपर किया था, यूएस की तरफ से एक आर्मी किया एक्शन किया गया, उन्होंने एक अटैक किया गया जो कि ऐसी जगह पे किया गया जहाँ पे सीरिया के जो वेपन्स हैं केमिकल वेपन्स बनते हैं और उनका जो एयरफोर्स के जगह है वहाँ पे उन्होंने अटैक किया ताकि उनके जो फैक्ट्री है उसको ये लोग नुकसान पहुँचा सके और आगे आने वाले दिनों में सीरिया इस तरीके का एक्शन ना ले सके। और ये इवेंट होने के बाद ट्रंप जी की तरफ से एक ट्वीट भी आया कि जिसमें उन्होंने बोला कि हमने जो स्ट्राइक किया है पिछली रात को वो बहुत ही अच्छे से हुआ है, इसमें इन्होंने फ्रांस और ईक्यू को थैंक्स भी बोला है उनके सपोर्ट के लिए। और ये अटैक जो उन्होंने बोला है एक तरीके से बोल रहे हैं वो एक इनका मिशन था और वो इनका मिशन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब इसी चीज़ को मैं अगर ऑयल मार्केटिंग से रिलेट करके देखूं तो इसका ऑयल मार्केटिंग पे या ऑयल के जो कंपनी है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, तो आपको बताना चाहूँगा कि जो सऊदी की गवर्नमेंट है उनका ऐसा प्लान है कि वो अमेरिका की तरफ से उनका 5% स्टेक जो है ऑयल का वो बेचना चाहती हैं, जो कि आईपीओ के थ्रू वो करेंगी। इसके द्वारा वो लगभग 100 बिलियन डॉलर्स का जो पैसा है वो उठाना चाहते हैं मार्केट से और इसको बोला जा रहा है ये दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ रहने वाला है। लेकिन इसकी जो प्राइस सेट करने की बात की जा रही है वो हायर लेवल पर की जा रही है और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो सिर्फ सऊदी में नहीं होगी बल्कि उनका प्लान है कि वो न्यूयॉर्क, लंदन और हांगकांग में भी इस आईपीओ की लिस्टिंग कराने के प्लान में लगे हुए हैं। और इस आईपीओ की जो प्राइस वैल्यू बोली जा रही है वो लगभग 80 डॉलर के आसपास बोली जा रही है और जहां के करंटली जो ऑयल का प्राइस है वो लगभग 72 डॉलर्स के आसपास चल रहा है, लेकिन ये जो प्राइस सेट कर रहे हैं वो बहुत ही हायर लेवल पर कर रहे हैं। तो जो भी
इस तरीके की टेंशन बन रही है उससे भी ऑयल की जो प्राइस है और ज़्यादा ऊपर जाने की उम्मीद बनती है। तो सिर्फ यही न्यूज़ नहीं है, अगर हम अपने इंडियन डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो उसमें भी आपको अगर ध्यान होगा कि जो भी बर्डन बढ़ते हुए ऑयल प्राइस का आ रहा है वो गवर्नमेंट ने बोला है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं जो हैं उनको भी थोड़ा बर्डन अपने ऊपर लेना पड़ेगा। तो जो कंपनी पहले नहीं ले पाती थी अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि लगभग 1 रुपए का प्रति लीटर जो है ऑयल कंपनीज अपने ऊपर लेंगी, यानी कस्टमर को पास ऑन नहीं करेंगी। तो वो एक तरीके से इस कंपनी के लिए निगेटिव चीज़ बनी हुई है, तो वो एक न्यूज़ है। और जिस तरीके से RBI ने अपनी स्टेटमेंट में भी बोला था कि उनको ऑयल के जो प्राइस है उसके ऊपर काफ़ी क्लोज नज़र रखनी है, उसकी वजह से वो जो है अपनी नेक्स्ट पॉलिसी को डिसाइड करेंगे। तो अगर इसी तरीके से ऑयल प्राइस बढ़ता है तो अपने इंडियन मार्केट के लिए भी थोड़ी निगेटिव खबर हो सकती है। अब इंडिया में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी हैं हम उनके बारे में देखें तो आपके सामने मैं 5 ऐसी कंपनियां लाऊंगा जो कि मुख्यतः इसी कारोबार से जुड़ी हुई हैं, जो कि BPCL, HPCL, MRPL, CPCL और IOCL, ये 5 कंपनियां हैं, इनका मार्केट प्राइस आप देख सकते हैं। तो चलिए अब यही सारे 5 कंपनियां जो हैं वो हम इनके स्टॉक को स्टडी करते हैं, इनके टेक्निकल चार्ट को हम देखेंगे कि किस लेवल पे इनका स्टॉक जो है वो कोट कर रहा है और यहाँ से कौन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल निकल के आते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं HPCL की बात करूँगा। इसका जो आप स्टॉक है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टॉक में एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड की रैली बनी थी जो कि पिछले साल बनी हुई थी, लेकिन जुलाई के बाद से इस स्टॉक में जो है कंटिन्यूस गिरावट दिख रही है। ये जो चार्ट है आपके सामने वीकली चार्ट है, यानी कि इसमें एक कैंडल जो है एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। तो आप लगभग यहाँ से देख सकते हैं या फिर ये मंथ से पिछले साल का जो अगस्त महीना था वहाँ से इस स्टॉक में कंटिन्यू डाउनवर्ड रैली चल रही है। और इसी को अगर हम देखेंगे तो अगर इसको मैं जोन बना करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इसी जोन में ये स्टॉक है कंटिन्यूस जाता है। अगर अप ट्रेंड की रैली भी दिखाता है तो इसी लेवल पे आकर के स्टॉक जो है वापस से नीचे की गिरावट दिखाता है। करंटली ये जो स्टॉक है अपने बहुत ही अच्छे बोल सकते हैं हम पिछले सालों के जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन थे लगभग उसी रेंज में आ चुका है। अगर हम इसको भी एक तरीके से जोन के रूप में देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो जोन है इस स्टॉक के लिए हम इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बोल सकते हैं, जहाँ पे इस स्टॉक में एक तरीके से सपोर्ट लेना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने काफ़ी महीनों तक लगभग 5 से 6 महीने तक इसी जोन में ये स्टॉक गिर रहा था, लेकिन ये जो है अप ट्रेंड के रैली के बाद इस स्टॉक में इस तरीके का मूवमेंट आया था। अभी जो चल रहा है डाउन ट्रेंड चल रहा है, अगर ये स्टॉक जो है ये लेवल को भी ब्रेक करता है तो इसके बाद जो नेक्स्ट कोई लेवल आपको दिखाई देगा वो लगभग 250 रुपये के आसपास वाला लेवल आएगा, क्योंकि इसी प्राइस जोन के आसपास ये जो स्टॉक है कुछ दिन कंसोलिडेट हुआ था। और अगर इस स्टॉक में ऊपर की तरफ रैली जानी है तो जब कभी ये स्टॉक 368 रुपीज़ के आसपास या 370 रुपीज़ के वैल्यू को क्रॉस करेगा विद सम वॉल्यूम्स के साथ, और जो क्रूड ऑयल की वैल्यू है उसको वो भी अगर 70 रुपीज़ के नीचे या फिर 65 रुपीज़ के आसपास आएगी, तो $65 के आसपास आएगी, तो उसी समय हो सकता है इस स्टॉक में अप ट्रेंड की रैली बन सकती है। अगला जो स्टॉक है आपके सामने वो BPCL का है। इसमें भी अगर मैं आपको एक कैंडल को वीकली चार्ट के हिसाब से ही दिखाऊं, यानी कि एक कैंडल जो है अगर एक वीक को रिप्रेजेंट करते हुए आपको मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक तो थोड़ा वॉलेटाइल रहता है इसमें, लेकिन एक तरीके से अप ट्रेंड की रैली चल रही थी। लेकिन अभी जो भी कुछ इस स्टॉक में चल रहा है वो अगर आप देखेंगे जोन बना करके हम देखें तो आप देख सकते हैं ये जो इस स्टॉक के लिए एक तरीके से हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन बोल सकते हैं, जहाँ पे स्टॉक ने शुरू में रेजिस्टेंस दिखाया था कुछ सप्ताह तक जो स्टॉक है ऊपर नहीं जा पा रहा था, और जब ऊपर जाके नीचे आया तो यहीं पे आके इसने सपोर्ट लिया था। और यहाँ पे भी एक तरीके से जो 2 बार डिप आप देख सकते हैं वो भी यहीं पे आके इस स्टॉक की एक तरीके से डिप बनी हुई थी। तो इस स्टॉक के लिए भी अभी जो है लगभग 390 या 385 के लेवल्स आप बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है। अगर वो लेवल इस स्टॉक के ब्रेक होते हैं तो लगभग ये लेवल तक, यानी कि 300 रुपये तक या 350 रुपये तक और ये स्टॉक नीचे आ सकता है। और ऊपर के साइड में जब कभी ये स्टॉक जो है 450 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग देगा, यानी कि ये जोन से ऊपर निकल के जाएगा, तब इस स्टॉक में ऊपर का ट्रेंड बन सकता है। लेकिन क्योंकि ये सभी ऑयल कंपनी के लिए मेन या फंडामेंटल जो पैरामीटर है वो क्रूड ऑयल का प्राइस ही है, अगर वो प्राइस $60-$65 के नीचे आते हैं तभी इन स्टॉक्स में जो है ऊपर की रैली बन सकती है।
अगली जो कंपनी है MRPL है, जो कि मैंगलोर रिफाइनरीज एंड पेट्रोलियम्स के नाम से जानी जाती है। इस कंपनी में भी आप देख सकते हैं सेम पैटर्न, आप ऑलमोस्ट हर कंपनी, हर ऑयल मार्केटिंग कंपनी में देखेंगे कि ऑलमोस्ट सेम पैटर्न बना हुआ है कि स्टॉक जो है ऊपर की तरफ गया था, लेकिन अभी जो है एक तरीके से अपने स्ट्रॉन्ग बेस के तरफ आ चुका है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये सेम चीज़ निकल के आपको दिखेगी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं करंटली जो स्टॉक है अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे बना हुआ है, जो कि 109 रुपए के आसपास है। अगर ये स्टॉक जो है यहाँ पे इसने पास्ट में एक तरीके से रेजिस्टेंस लेवल दिखाई थे, लेकिन जब कभी ये लेवल को ब्रेक किया था तो आप देख सकते हैं कितनी शानदार रैली इस स्टॉक में आई थी, और ये स्टॉक जो है लगभग 130 से 135 रुपए के आसपास आ चुका था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो जोन बना हुआ है यहाँ पे स्टॉक जो था सपोर्ट ले रहा था, और जैसे ही इस स्टॉक ने सपोर्ट को ब्रेक किया तो जो इसका अगला सपोर्ट था वो ये निकल के आ रहा था। अभी ये जो स्टॉक है इस वैल्यू को सपोर्ट लेके चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल कंडीशन बनी हुई है और क्रूड ऑयल के जो प्राइस हैं ऊपर जा रहे हैं, हो सकता है कि ये स्टॉक भी इस लेवल को भी ब्रेक कर सकता है, और अगले जो लेवल इसमें निकल के आते हैं वो लगभग 99 रुपीज़ के आसपास निकल के आते हैं। और अगर स्टॉक जो है इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो इसके बाद जो भी अगले लेवल इस स्टॉक के लिए हम स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, वो लेवल्स भी अगर आप जानना चाहेंगे तो वो बहुत ही नीचे के लेवल्स निकल के आते हैं, लगभग 82 रुपीज़ के आसपास तक के निकल के आते हैं। यानी कि यहाँ से और ज़्यादा 20 रुपये तक की गिरावट इस स्टॉक में आ सकती है। अगर करंट लेवल से स्टॉक को ऊपर का ट्रेंड दिखाना है तो अगेन क्रूड ऑयल की वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए, और ये जो स्टॉक है लगभग 120 रुपए की ऊपर की वीकली क्लोजिंग देनी चाहिए, और साथ ही साथ इसके वॉल्यूम्स में भी अच्छा खासा एडिशन होना चाहिए, तभी इस स्टॉक में अप ट्रेंड बन सकता है। अगला जो स्टॉक है वो IOCL का है। इस स्टॉक को आप देख सकते हैं, ये स्टॉक भी बाकी स्टॉक्स के जैसे अप ट्रेंड में बना हुआ था, लेकिन तरीके से कुछ काफ़ी महीनों से स्टॉक में भी कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड की रैली ही चल रही है, डाउन डायरेक्शन में भी इस स्टॉक का जो ट्रेंड है वो बना हुआ है। अभी जो है अगेन ये अपने क्रूशियल जो आप बोल सकते हो सपोर्ट लेवल पे है, जैसा कि बाकी स्टॉक्स में भी हुआ था जब उन्होंने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था तो अच्छी रैली दिखाई थी। सिमिलरली इस स्टॉक में भी है, जो इसका 165 या 160 रुपीज़ का एक रेजिस्टेंस था उसको जब कभी स्टॉक में ब्रेक किया तो लगभग 220 रुपये तक के लेवल्स दिखाए थे, और इसके बाद जो इनका सपोर्ट एक तरीके से बन के आ रहा था वो स्टॉक अगर हम देखेंगे या वैल्यू देखेंगे तो लगभग 185 रुपीज़ के आसपास बनी थी, जहाँ पे स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट लिया था और उसके बाद यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था। लेकिन जैसे ही ये स्टॉक ने सपोर्ट को ब्रेक किया तो जो इसका पिछला रेजिस्टेंस था उसी लेवल पे आकर के स्टॉक लगभग आ चुका है। अभी अगर ये स्टॉक इस लेवल को भी रिस्पेक्ट देता है तो इसके बाद जो अगला सपोर्ट इस स्टॉक के लिए निकल के आएगा वो और लगभग नीचे निकल के आता है, 140 रुपए के आसपास का वो सपोर्ट निकल के आता है। तो इस स्टॉक को अगर अपर का मोमेंटम दिखाना है तो लगभग 185 रुपीज़ के ऊपर की क्लोजिंग जब कभी ये स्टॉक देगा तो ही आप इस स्टॉक के लिए बोल सकते हैं कि ये स्टॉक जो है अप ट्रेंड में जा रहा है। अदरवाइज करंटली अगर हम इस स्टॉक को देखें और जो भी न्यूज़ इस स्टॉक से रिलेटेड है या जो भी न्यूज़ इस स्टॉक को इम्पैक्ट कर सकती हैं उन सारी चीज़ों को देखें तो स्टॉक अभी भी जो है डाउन ट्रेंड में ही बना हुआ है। अगली जो हमारी कंपनी है वो चेन्नई पेट्रोलियम है। इसका भी आप ट्रेंड देख सकते हैं, ऊपर का ही था और बाकी पेट्रोलियम कंपनी के जैसे ही ये स्टॉक भी अपने कंटिन्यूस नए लोज बनाते जा रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं इस साल के नए लोज बनाते हुए जा रहा है। इस स्टॉक के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो कि बना हुआ था, जो कि इसका शुरू में रेजिस्टेंस जोन था लेकिन अब सपोर्ट जोन बन सकता था, वो इस स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है और अपने अगले सपोर्ट जोन के आसपास ये स्टॉक कोट कर रहा है, जो कि हम निकाले तो लगभग 313 या हम अगर नॉर्मल रेंज के हिसाब से बात करें तो 320 से लेकर 310 की रेंज निकल के आती है। अगर ये स्टॉक कभी भी 300 लेवल के आसपास क्लोजिंग देता है या 300 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो इस स्टॉक में और भी ज़्यादा गिरावट आने की संभावना नज़र आएगी। लगभग इस स्टॉक में जो अगली गिरावट मुझे नज़र आती है वो आपके लिए लगभग हम बोलें तो 240 रुपये या 250 रुपये के आसपास की लेवल निकल के आते हैं, तो इस स्टॉक में गिरने के चांसेस भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बने हैं। अगर अपसाइड ट्रेंड की बात की जाए तो इस स्टॉक को लगभग 400 रुपये की क्लोजिंग देनी पड़ेगी, उसके ऊपर की क्लोजिंग देनी पड़ेगी विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, तभी किसी तरीके का अप ट्रेंड बनेगा। तो अब अगर हम इन सभी स्टॉक को एक तरीके से कंक्लूड करने की कोशिश करें इन न्यूज़ के बेस पे, तो बस एक ही बात निकल के आती है कि आपको इन सभी स्टॉक से बच के रहना पड़ेगा।
जो स्टे कॉशियस रहना पड़ेगा, जो भी स्टॉक्स हैं अपने एक क्रूशियल सपोर्ट जोन पे तो आ चुके हैं, लेकिन जिस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, भले ही वो जियो पॉलिटिकल कंडीशन से हो या फिर जिस तरीके से गवर्नमेंट बोल रही है कि ये लोग भी थोड़ा बर्डन लेना चाहिए जो भी ऑयल प्राइस इंक्रीज होती है उसका, तो इन स्टॉक्स से थोड़ा निगेटिव व्यू ज़रूर बन के आता है करंट लेवल्स पे। तो जो भी स्टॉप लॉस मैंने आपको वीडियो में बताए हैं आप उनको ध्यान में रख सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी और स्टॉक से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं रेगुलरली अपडेट डालता रहता हूँ जो आपको बेनिफिशियरी हो सकते हैं। एज अ डिस्क्लोजर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया और जो भी लेवल्स मैंने आपको दर्शाए हैं वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के, मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो भी लेवल्स निकल के आए हैं वो मैंने आपको बताए हैं। आप सिर्फ उन लेवल्स को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, आप भी अपनी तरफ से रिसर्च कीजिए या फिर अपने किसी भी ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर या शेयर ब्रोकर से एक बार फिर उनसे एडवाइस लेने के बाद ही आप इसमें अपनी कोई भी पोजीशन ऐड करें या घटाने का डिसीजन लें। दोस्तों, इस वीडियो से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी सवाल है या सुझाव है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं अपनी तरफ से आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।